थिंक कि क्रेडिट देना चाहिए इंडियन टीम को, जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की आज और जिस तरह बॉलिंग की और जिस तरह इन कंडीशंस को एक्सप्लॉयट किया। आई थिंक सीमर्स ने और स्पिनर्स ने सब ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और फील्डिंग बहुत ही जिसको कहेंगे ऑलमोस्ट 30 से 35 रन ऐसे थे जो कि उन्होंने सेव किए। रन्स करने बड़े मुश्किल थे, सिंगल्स बिल्कुल मुश्किल थे, स्पिनर का बॉल बाउंस भी हो रहा था, ब्रेक भी हो रहा था, सीमर्स का बॉल सीम हो रहा था और ईजी नहीं था कि आप स्कोर आसानी से करें, स्पेशली ऐसी पिच पे मेरे ख्याल सर्वाइव करना भी मुश्किल था। रन्स करने तो खैर मुश्किल थे ही, आई थिंक पूरा चांस था उनका भी, लेकिन जहाँ पे मेरे ख्याल में नासिर की विकेट गिरी और उसके बाद मेरी विकेट, आई थिंक वो एक ऐसी स्टेज थी कि अगर हम लोग थोड़ा और खेल जाते तो ईजी मैच था। देखें कोशिश कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ बात भी करते हैं, उसको इस चीज़ को रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई थिंक वही चीज़ है कि रश ऑफ ब्लड, ऐसी मुश्किल सिचुएशन में प्रेशर भी कह सकते हैं, प्रेशर सडनली जब आपको रन्स नहीं मिल रहे होते तो आपको अचानक समझ में आता है ऐसी एज में कि जी मैं शॉर्ट खेलूँ, तो आई थिंक कि इन चीज़ों को समझना पड़ेगा उसको, उसके लिए बेहतर है कैरियर में, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एज ए प्लेयर एज ए बैट्समैन आपको सिचुएशन समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। मेरे ख्याल में जब मैं आउट हुआ हूँ तो 3 रन्स पर ओवर रिक्वायर्ड था और यहाँ पे सिर्फ पूरे ओवर खेलना ही रिक्वायरमेंट थी। मेरे ख्याल में कुछ हम 7 रन्स की एवरेज चेज नहीं कर रहे थे और आपको उसके बाद अंदाज़ा हो ही गया है कि मैं क्यों स्लो खेल रहा था। बिल्कुल मेरे ख्याल में इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर देखें तो बड़ी अच्छी सीरीज़ थी, इन पिचों के हवाले से और इस बैटिंग परफॉर्मेंस के हवाले से मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको मिसलीड भी कर सकती हैं ये परफॉर्मेंसेस, क्योंकि ये जो पिचेस थी ये टोटली मैं कहूँगा कि ये बॉलिंग ट्रैक्स थे ड्यू टू मॉइस्चर और जो जिस किस्म का वेदर था। अगर देखें तो मेरे ख्याल में नासिर जमशेद और MS धोनी के अलावा कोई भी बैट्समैन रन्स नहीं कर पाया, इंडियन बैट्समैन भी स्ट्रगल करते रहे और हमारे बैट्समैन भी थ्रू आउट स्ट्रगल करते रहे। वो यही वजह थी कि पिचेस में मॉइस्चर इतना था और जिस तरह का ऊपर वेदर था, स्विंग सीम स्पिन सब कुछ हो रहा था, तो आई थिंक उस वजह से आप बैट्समैनों को आपकी उनकी परफॉर्मेंसेस को सही तरह जज भी नहीं कर पाए। आई थिंक बिल्कुल जिस किस्म की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, स्पेशली जुनेद खान, सिर्फ इस सीरीज़ में नहीं जब से वो रेगुलर मेंबर हुआ है पाकिस्तान टीम का, टेस्ट में भी और जहां भी उसको चांस मिल रहा है वो इस किस्म की परफॉर्मेंसेस दोहराता आ रहा है। टेस्ट मैचों में भी 5-5 आउट किया उसने, फ्लैट पिचों में भी 5-5 आउट किए हैं, तो वो एक ऐसा एसेट है कि जो हमें नज़र आ रहा है कि हमें इस जो बॉलिंग अटैक उसको लीड कर सकते हैं। और इरफान आई थिंक उसको अभी और ज़्यादा फिटनेस पर काम करने की ज़रूरत है, ज़ाहिर है उसको अपनी हाइट का एज है और जो जो वो अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करेगा और अपने जो बॉलिंग एरियाज़ हैं अच्छे एरियाज़ में बॉल करने की और ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट लाएगा, तो आई थिंक वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा।